प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक छोटा सा मंत्र आपके बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी रुकावट को दूर करने की ताकत रखता है। यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चने आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक छोटा सा लेकिन बड़ा प्रभावशाली मंत्र बताने वाला हूँ। यदि ये मंत्र आपने जपना शुरू कर दिया तो यकीन मान के चलिए, इस मंत्र के चमत्कारी प्रभाव के कारण आपके बच्चों की शादी के लिए कोई ना कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और शादी भी फिक्स हो जाएगी। ये मंत्र कोई भी जप सकता है। बच्चे यदि खुद जपना चाहें तो खुद भी जप सकते हैं, और यदि खुद नहीं जप सकते हैं तो माता पिता इस मंत्र का जाप करना यदि शुरू कर देंगे तो बहुत जल्द बच्चों की शादी में आ रही बड़े से बड़ी रुकावट दूर हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैं दिन भर जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करता हूं। बहुत सारे बच्चे मेरे पास अपने जन्म कुंडलियों का विश्लेषण करवाने आते हैं और बहुत सारे माता पिता भी अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाने मेरे पास आते हैं। मैं जानता हूं, मैं दिन भर लोगों से मिलता हूं, मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो शादी के लायक होते हैं, शादी के योग्य होते हैं, दिखने में भी अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी उनकी जॉब होती है, अच्छा पैकेज होता है, अच्छा बिजनेस होता है, अच्छा बैकग्राउंड होता है, खाते पीते परिवार से होते हैं, लेकिन फिर भी शादी में देरी बनी रहती है। देरी होने के कई कारण हो सकते हैं। जन्म कुंडली में यदि सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से पाप प्रभाव में यदि आ जाए तो ये समस्या आ जाते हैं। लेकिन इन समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे उपाय हमें बताए हैं। यदि इन उपायों का सहारा हम ले लेते हैं तो इन समस्याओं से बचा जा सकता है और हमारा काम निकल जाता है। तो प्रिय दर्शकों, एक छोटा सा मंत्र आज मैं आपको बताने वाला हूं, बस इसको ध्यान से सुन लेना। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि मैं इसी प्रकार की विवाह से रिलेटेड नई वीडियो जब भी अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। तो प्रिय दर्शकों, इस मंत्र को कैसे जपना है इसको ध्यान से सुन लीजिए। यह मंत्र किसी भी दिन से जपना शुरू किया जा सकता है। इसमें कोई कृष्ण पक्ष देखना नहीं, कोई शुक्ल पक्ष देखना नहीं, कोई तिथि वार महीना तारीख कुछ भी नहीं देखना। जब भी ये वीडियो आपको मिल जाए उसी दिन से इस मंत्र का जाप करना आप शुरू कर सकते हैं। सुबह के समय भी किया जा सकता है और शाम के समय भी किया जा सकता है। शर्त इतनी सी रहेगी, जब भी आप इस मंत्र का जाप करने बैठो उससे पहले आपको नहाना पड़ेगा। मान लीजिए आप ये मंत्र शाम के समय कर रहे हैं और सुबह आप नहा लिए थे, लेकिन मंत्र शाम के समय कर रहे हैं तो शाम के समय दोबारा से आपको नहाना पड़ेगा। मुंह हाथ धोने से काम नहीं चलेगा। जब भी इस मंत्र का जाप करने बैठें तो उससे पहले आपको नहाना पड़ेगा और मंत्र जाप करते समय एक शुद्ध देसी घी का दीपक आपने अपने पास जला लेना है। प्रिय दर्शकों, जब भी आप अपने घर में दिया बाती करते हैं, सुबह के समय भी करते होंगे, शाम के समय भी करते होंगे, तो जब भी आप दिया बाती करते हैं, दिया बाती करने के बाद वहीं पर बैठे बैठे इस मंत्र का जाप आपने 108 बार कर देना है। अब मंत्र कौन सा है इस मंत्र को आप सुन लीजिए, स्क्रीन पर भी आप देख लीजिए और इसका उच्चारण भी मैं कर देता हूं। प्रिय दर्शकों मंत्र सुनिए। सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी। एक बार और बोल देता हूं, सुनो सिए सत्य आशीष हमारी, पूज ही मनोकामना तुम्हारी। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस से यह मंत्र उठाया गया है और इतना प्रभावशाली है। भगवान राम माँ सीता ये मंत्र सुनकर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो अपनी पूरी पूजा करने के बाद इस मंत्र का जाप आपने 108 बार कर लेना है
और मंत्र जाप करने के बाद अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। जो भी मान लीजिए आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए कर रहे हैं, तो ये मंत्र जाप करने के बाद मन ही मन में ऐसा बोलना है, ये जो मैंने जाप किया है 108 बार, इसका जो पुण्य फल है वो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, और मेरी एक ही मनोकामना है मेरे बच्चों की शादी जल्द से जल्द हो जाए। बस इस प्रकार से अपनी मनोकामना का चिंतन आपने करना है। ये मंत्र आपने लगातार 41 दिन तक करना है, 41 दिन तक लगातार करना है। यदि बीच में एकाध दिन छूट जाए किसी कारण से तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, वो दिन आप आगे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे लड़कियां हैं, लड़कियां कर रही हैं तो मासिक धर्म की जो समस्याएं होती हैं तो उसमें लड़कियां करेंगी नहीं, बीच में 4 से 5 6 दिन वो गैप आएगा, तो नो प्रॉब्लम, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मासिक धर्म के दौरान ये मंत्र जाप नहीं करना है, तो मासिक धर्म के जितने भी दिन बीच में छूटें उतने ही दिन आगे आपने आगे बढ़ा देने हैं। तो इस प्रकार से 41 दिन तक लगातार, बीच में कोई दिन छूटे नो प्रॉब्लम, वो दिन आगे बढ़ा देने हैं, टोटल 41 दिन आपने इस मंत्र का जाप करना है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जन्म कुंडली में ऐसे कौन से दुर्योग बन गए हैं जिसकी वजह से बच्चों की शादी में लगातार देरी चली हुई है, या फिर अपने बच्चों की जन्म कुंडली के आधार पर जल्दी शादी होने के सटीक उपाय मुझसे जानना चाहते हैं, तो फिर आप स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिख कर मेरे पास भेज सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। जैसे ही आप फीस पे कर देते हैं उसके बाद आपको पूरी जानकारी दे दी जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको हमारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं, यदि हमारे कार्यक्रमों की वजह से आपको कुछ लाभ मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमेशा मुझसे जुड़े रहिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।